पार्वती नंदन के अकस्मात ही भवन से लुप्त हो जाने पर माता चिंतित हो उठती हैं। उधर मंगल मूर्ति की युक्ति एवं बुद्धि से वज्रांतक का अंत होता है। देवराज महादेव पुत्र के नामकरण उत्सव में जाने को विवश हैं। उधर वज्रांतक के वध के बाद सिंदूरा कैलाश जाने के लिए तत्पर होता है। अब आगे शक्तिशाली है, मायावी है सिंदूरा, किंतु इसकी मूर्खता इसे मृत्यु के अंधे कुएं में ढकेलने जा रही है। ब्रह्मदेव के वचन नहीं छुटलाए जा सकते। उनके शाप के अनुसार वो बालक अवश्य इसका अंत करेगा। अच्छा ही है, वहां ये अपने प्राणों से मुक्त होगा और यहाँ मुक्ति मुझे मिलेगी इसके आतंक से। सिंगिका, तुम किस विचार में डूबी हो बताओ मुझे। कभी कभी किसी का अनुचित विचार ही उसके संहार का कारण बनता है। संहार? संहार का विचार? हाँ, मैं तो आपके हाथों से उस बालक के संहार का ही विचार कर रही थी। कहीं इसका क्रोध अब मेरे ऊपर तो नहीं फूटने वाला। कभी कभी मन में उपजे विचार पर पुनः विचार करके कोई कार्य करना चाहिए। मैं ब्रह्मदेव के श्राप का विचार करके रुक गया। उन्होंने कहा था वो बालक ही मेरा काल बनेगा। उनके वो शब्द भूला नहीं हूँ मैं। महादेव और देवी पार्वती का दूसरा पुत्र तुम्हारा काल बनकर प्रकट होगा। संकट के मुख में स्वयं को प्रवेश करना मूर्ख का स्वभाव होता है और सिंदूरा मूर्ख नहीं है। इसीलिए उचित तो यही होगा कि मैं कैलाश और उस बालक से उचित दूरी पर रहूं। प्रतीत होता है सिंदूरा ने कैलाश जाने का विचार त्याग दिया है। मुझे कुछ करना होगा इसके लिए। समस्या है तो समाधान अवश्य होगा। सिंदूरा इस समस्या का उपाय अवश्य ढूंढेगा। अवश्य अंत होगा उस बालक का। तब तक धैर्य रखो पुड़िया सिंगिका, शांत रहो। बच गए। सूर्यदेव को मेरा नमन। आपके आने से तो एक नवीन दिवस का प्रारंभ हो गया है। अब तो कुछ कार्य करना होगा मुझे, किंतु मैं क्या करूं? अरे हाँ, मेरे खिलौने। इसमें बैठकर हम कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, है ना? मेरे प्यारे खिलौने, मेरे प्यारे खिलौने। पुत्र, माँ, प्रातः काल में माँ के शुभ दर्शन तो अत्यंत मनभावन है। अरे ये क्या पुत्र,
निद्रा से जागृत होते ही पुनः खिलौना से क्रीड़ा करने लगे। इनके साथ क्रीड़ा करने में तो मुझे बहुत आनंद आता है माँ। आइए ना, तुम्हारे साथ क्रीड़ा करूँ। इसका समय कहाँ है पुत्र? मैंने तुम्हें बताया था ना, आज का दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलो अभी अपने खिलौने छोड़ो, बहुत कार्य है आज। और सर्वप्रथम तुम्हें दातून करना है और फिर स्नान। दातून? ये क्या होता है माँ? तुम आओ तो सही, फिर तुम्हें बताती हूँ दातून क्या होता है। उचित है माँ, चलिए। ये तो बहुत मनोरम दृश्य है माँ। क्या प्रातः उठकर इस दृश्य का आनंद लेना ही दातून करना कहलाता है? कितने प्रश्न है तुम्हारे पास पुत्र, कैसे सबका उत्तर दूंगी? ये वृक्ष देख रहे हो, ये नीम का वृक्ष है पुत्र। इसकी छाल, पत्तों और फल में अनेकों औषधियाँ निहित हैं, जो हमारे शरीर को निरोग रखती हैं। और इसी की टहनी को दातून कहते हैं पुत्र। ये देखो, ये है दातून। प्रातः इसे करने से दंत और उसको आधार प्रदान करने वाले मसूड़े स्वस्थ रहते हैं पुत्र, और मुख को भी स्वच्छ करता है। देखो पुत्र, ऐसे। अब तुम करो। माँ, ये तो बहुत कड़वा है। हाँ पुत्र, कड़वा तो है, किंतु प्रतिदिन करोगे तो तुम्हें इसका अभ्यास हो जाएगा, फिर इतना कड़वा नहीं प्रतीत होगा। और इसका कड़वापन तुम्हारे जीवन में स्वास्थ्य की मिठास घोल देगा पुत्र। चलो अब बिना मुख सिकोड़े शीघ्र दातुन करो। अच्छा माँ, करता हूँ। आपका आदेश तो नहीं टाल सकता ना? पार्वती, तुमने हमें बुलाया? हाँ सखियों, अपने लाडले मेरे पुत्र को स्नान तो करवा दो। मौसी जी, आप मेरे पिछले स्नान को लेकर अभी भी कुपित हैं क्या? किंतु उसमें मेरा क्या दोष? मैं जल में कूदा तो पानी आप पर छिटक कर आ गया। अच्छा, आज सावधानी से कूदूंगा कुंड में। असुर सम्राट सिंदूरा, आपके अधीन असुर साम्राज्य अत्यधिक शक्तिशाली हो गया है, किंतु अभी भी हमें अपने राज्य की सुरक्षा पर समुचित विचार करने की आवश्यकता है। ऐसी कौन सी बात है जिस पर तुम्हारी हंसी फूट रही है बुढ़िया सिंगिका? मंत्री जी, आप यहाँ से जाइए। इतना दुस्साहस, मेरे असुर सम्राट सिंदूरा के मंत्री को प्रस्थान करने का आदेश देने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? जानती हो इसका परिणाम? क्या तुम्हें अपने प्राण प्रिय नहीं है? प्राणों का संकट मुझ पर नहीं मंडरा रहा है। असुर सम्राट सिंदूरा अत्यंत ही हास्यास्पद थी आपके मंत्री की चिंता। एक भयभीत और बलहीन असुर के साथ असुर साम्राज्य की सुरक्षा की चर्चा। सिंगिका! ऊंचे स्वर में चिल्लाने से कोई महाबली नहीं बन जाता असुर सम्राट। बरसने वाले मेघ गरजते नहीं हैं, और जो मेघ गर्जन करते हैं वो चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हवा का एक छोटा सा झोंका भी उन्हें उड़ा के ले जाता है। एक छोटे से बालक से भयभीत होने वाले असुर सम्राट की गर्जन भी उसी गरजने वाले मेघ के समान है, क्योंकि मेरे समक्ष जो ये सिंदूरा खड़े हैं, ये वो नहीं है जिन्होंने गज बुखासुर जैसे भयावह असुर को पराजित किया था। स्मरण कीजिए असुर सम्राट,
स्मरण कीजिए। वो आप ही थे जिन्होंने केवल अपनी एक दृष्टि से भयावह गजमुखासुर को पराजित किया था। उसे पाताल के सिंहासन से हटाकर यहाँ के राज सिंहासन पर अपना आधिपत्य जमा दिया था। त्रिलोक विजेता हो गया। संपूर्ण सृष्टि केवल आपके नाम से थर थर कांपेगी। तब ऐसा प्रतीत हुआ था मुझे, किंतु आप स्वयं एक तुच्छ बालक से भयभीत होकर थर थर कांपने लग गए, और वो भी अर्ध बालक और अर्ध गज। उसके आतंक ने तेज कर दिया आपको। उस तुच्छ बालक से भयाक्रांत हो गए आप। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु बस अब खीर पकनी शेष है। यदि मैं यहाँ नहीं होती तो मेरी पुत्री पार्वती ये सब व्यवस्था अकेली कैसे कर पाती? माँ, माँ अभी तक आप तैयार नहीं हुई। आप भोग की चिंता मत कीजिए, पूजा और उत्सव के लिए मैंने उसका प्रबंध कर लिया है। तैयार हो जाऊंगी पुत्री, अब मैं बाहर जाकर वहाँ की व्यवस्था देख लेती हूँ। यहाँ तो कोई सजावट नहीं, न कोई पुष्प, न कोई रंगोली, और ये गण तो ऐसे बुहार रहा है जैसे इसको किसी ने भारी दंड दे दिया हो। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु महादेव को तो जैसे कोई चिंता ही नहीं है, अभी भी अपने ध्यान में ही मग्न है। माता, ये पुष्प कहाँ रखूं? यहाँ या कहीं और? मैं कुछ बोलूं? पुत्री, मैंने सोचा था कि मैं आज कुछ भी नहीं बोलूंगी, किंतु पूछना तो पड़ेगा ना कि यहाँ कोई सजावट क्यों नहीं है? ना कोई मंडप, ना तोरण, और ना ही पुष्पों की लड़ियां, कुछ भी नहीं है ना माता? आप तनिक भी चिंता ना करें, हमने समुचित व्यवस्था कर ली है। देखिए ये गण कितनी तत्परता के साथ इस स्थान को स्वच्छ कर रहा है। बस वो होते ही हम दोनों इन पुष्पों से इस स्थान की सजावट कर देंगे। नंदी, आज सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व आदि इस उत्सव के लिए यहाँ पधार रहे हैं, और तुम इतने ही पुष्प लेकर आए हो? किंतु माता, देवी देवता तो प्रतिदिन महादेव के दर्शन के लिए आते हैं, उनके आगमन पर हम कभी भी कैलाश को पुष्पों से नहीं सजाते। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु आज कोई छोटा मोटा उत्सव नहीं है, पार्वती नंदन के नामकरण का उत्सव, भव्य उत्सव है। पुत्री पार्वती, तुम्हारी छठी और नामकरण के समय सारा राजभवन चमक धमक से जगमगा उठा था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे हीरे और अन्य रत्न जड़ दिए गए। इतना भव्य उत्सव था, ऐसी सजावट कि जिसे आज भी विस्मय से स्मरण किया जाता है। किंतु यहाँ देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ भी विशेष होने वाला ही नहीं। कितने से पुष्पों से सजेगा ये भवन? शांत हो जाइए माँ, चिंता मत कीजिए, आप निश्चिंत रहिए। ये उत्सव मेरे छठी और नामकरण संस्कार से भी अधिक भव्य होगा। नीलकंठ, उमा
सुत के जन्मोत सब के लिए सज रहे कहीं सुमन कहीं जले दिए नीलकंठ पंछी सिंहराज की लहरी सज्जित कैलाश कर रहे हैं सभी रंगोली तोरण और पुष्प लड़ी गण प्रसन्न मैना अचंभित खड़ी सारे जीव पूर्ण सामर्थ से व्यास्त शुभ कार्य में सृष्टि जुट गई समस्त मेरे पुत्र की छठी और नामकरण संस्कार का उत्सव इसमें तो संपूर्ण प्रकृति झूम उठे वो ही उत्सव की संपूर्ण व्यवस्था करे ये तो मेरी प्रबल इच्छा थी माँ मेरे पुत्र मेरे मंगल मूर्ति देखा माँ आपके पुत्र ने स्नान कर लिया स्वच्छ हो गया मैं इतनी सजावट वाह माँ हमारा भवन तो बहुत ही सुंदर लग रहा है और ये फल तो बहुत ही सुंदर है माँ स्वादिष्ट भी होंगे अब तो इन्हें खाना ही होगा रुको पुत्र क्या हुआ नानी जी आपने मुझे रोक क्यों दिया इतना उतावलापन उचित नहीं पूजा के भी कुछ विधि विधान होते आज तो तुम पूजा संपन्न होने के बाद ही भोजन प्राप्त कर सको हाँ पुत्र नानी माँ उचित कह रही है आज तुम मेरी अनुमति मिलने तक कुछ भी नहीं खाओगे समझ गए ना हाँ माँ समझ गया मैं माता अतिथियों का आगमन प्रारंभ हो गया है भूल रही हो बुढ़िया सिंह का वो बालक महादेव और देवी पार्वती का पुत्र है और आप भूल रहे असुर सम्राट सिंदूरा या वैम ब्रह्मदेव के पुत्र है जिन्होंने स्वयं अपने पिता सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव को भी भयभीत कर दिया था क्यों ना मैं आपको ही अपनी भुजाओं में आबद्ध करके देख लूं कि आपकी ये दी हुई शक्तियां प्रभावी है भी या नहीं उचित कह रही हो तुम सिंगिका ब्रह्मदेव का श्राप है तो क्या हुआ उनका वरदान भी तो प्राप्त है मुझे अपनी भुजाओं में भरकर मसल के रख सकता हूँ अपने शत्रु को मैं शत्रु के मस्तिष्क पर नियंत्रण पाकर उसका अंत कर सकता हूँ मैं पुत्र हूँ ब्रह्मदेव का और वो तुच्छ बालक मेरा सामना नहीं कर सकेगा वध करूंगा मैं उसका पार्वती नंदन का जन्म महोत्सव साक्षी होने को आए देव गंधर्व बाल मुनि सप्त ऋषि गण भी सारे सपत्नीक ब्रह्मा विष्णु भी पधारे नभ से उतरते वाहन सुसचेत कैलाश सज्जित व पूर्ण व्यवस्थित नंदी श्रृंगी प्रेत तोतला सब गण
अगुआई अभिनंदन करके प्रसन्न जया एवं विजया व मैनावती उप हिमावंत साथ द्वारे खड़ी से लेख पल भर में मिटा दूंगा मैं इसे और इसके साथ ही मिटा दूंगा पिता श्री ब्रह्मदेव के श्राप को। क्षमा कीजिए महादेव, पर क्या आपका पुत्र होने मात्र से कोई देवता बन सकता है? गजानन की योग्यता उनके जन्म से नहीं कर्म से होनी चाहिए।